दोस्तों, फारस की खाड़ी के दक्षिण में अरब प्रायद्वीप पर स्थित दुबई संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से एक है। एक संघीय ढांचे के अंतर्गत यह अन्य अमीरातों के साथ कानून, राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक कार्य को साझा करता है। संयुक्त अरब अमीरात का सबसे घनी आबादी वाला यह अमीरात आज एक वैश्विक शहर और व्यावसायिक केंद्र के रूप में उभरा है। यह एक अमीर और बेहद खूबसूरत शहर है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, दर्शनीय पर्यटक स्थल और लग्जरी लाइफस्टाइल संपूर्ण विश्व के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे मिडिल ईस्ट का पेरिस भी कहा जाता है। दुबई का विकास 1960 के बाद तब आरंभ हुआ जब यहाँ तेल की खोज हुई। उसके पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन मात्र 50 वर्षों में इसने इतनी उन्नति कर ली है कि आज यह दुनिया के शानदार शहरों में गिना जाता है। दुबई के मूल निवासी को अमीराती कहा जाता है। ये दुबई की कुल जनसंख्या का मात्र 15% है। शेष आबादी विदेशी है, जिसमें अधिकांश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस से आकर दुबई में बसे हैं। दुबई की आबादी लगभग 27 लाख है, जिसमें से 43% लोग भारतीय मूल के हैं। दुबई में एड्रेस सिस्टम नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ किसी क्षेत्र का पिन कोड या जिप कोड नहीं होता। किसी स्थान पर पहुँचना हो तो उसके करीब बिल्डिंग के नाम से ही वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। दुबई में शराब पर प्रतिबंध है। बिना लाइसेंस न यहाँ शराब खरीदी जा सकती है और न ही घर पर रखी जा सकती है। शराब पीने पर प्रतिबंध मुसलमानों पर लागू है। विदेशियों और अन्य धर्मों के अनुयायियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होता। दुबई की बुर्ज खलीफा इमारत की ऊंचाई इतनी है कि इसके 80वें फ्लोर पर रहने वाले लोग अपना रोजा ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों के 2 मिनट बाद खोलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सूर्य 2 मिनट ज्यादा दिखाई पड़ता है। दुबई में दुबई लैंड पार्क निर्माणाधीन है, जो साल 2020 में बनकर तैयार हो जाएगा। यह आकार में डिज्नीलैंड से 2 गुना होगा। बन जाने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन होगा। दोस्तों, दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ सोने की लगभग 300 दुकानें हैं और इन दुकानों में हर वक्त 10 टन सोना मौजूद रहता है। दुबई में एक घूमने वाली बिल्डिंग निर्माणाधीन है, जो 2020 में बनकर तैयार होगी। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 1072 फीट होगी। ये दुनिया की पहली ऐसी घूमने वाली बिल्डिंग होगी। इसकी एक खासियत यह भी होगी कि ये जितनी एनर्जी खर्च करेगी उससे 10 गुना ज़्यादा एनर्जी स्वयं ही पैदा कर देगी। दुबई में एक क्लाइमेट कंट्रोल सिटी निर्माणाधीन है, जो मोनाको देश से 2 गुना बड़ी होगी। इसका क्षेत्रफल 4.5 वर्ग किलोमीटर होगा और यहाँ के बोर्ड वे भी एयर कंडीशनर होंगे। विश्व की सबसे लंबी सोने की चैन दुबई में है। इस चैन की लंबाई 4.2 किलोमीटर है। इसका वजन 22 किलो है और इसे 9600 लोगों ने मिलकर खरीदा है। दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस मिलना आसान नहीं होता। पहली बार लाइसेंस लेने में टेस्ट के कई चरणों से गुजरना पड़ता है। यहाँ हर 3 साल में गाड़ी का लाइसेंस रीन्यू कराना पड़ता है। गाड़ी खरीदते समय भी ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक होता है। लाइसेंस नहीं होने पर गाड़ी की टेस्ट ड्राइव भी नहीं मिलती। दुबई में गंदी कार नहीं चलाई जा सकती। ऐसा करने पर मालिक को 200 दिनार का जुर्माना लगता है। दुबई में खुले में कार धोना भी वर्जित है। कार स्पेशल कार वॉशिंग सेंटर में ही धुलवाई जा सकती है। बस आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, दुबई के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।